ॐ गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कफीतजम्बूफलचारुवक्षणं उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोगी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य एसएस जोशी। दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फरवरी मास के मासिक राशिफल की। फरवरी महीने की जो शुरुआत हो रही है तुला लग्न और धनु राशि के अंतर्गत हो रही है। मंथ के शुरुआत में ग्रहों की जो स्थिति है उससे आपकी राशि में क्या प्रभाव रहने वाला है, इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे। सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करने का प्रयास भी करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ के मामले में फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है और इस बहुत अच्छे समय को आप और भी अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे और अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे तो ये आप लंबे समय के लिए आगे आप अपने स्वास्थ्य को मजबूत और हेल्थी बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार जो फरवरी के महीने जो ग्रहों की स्थिति है वो हेल्थ के मामले में आपके लिए टॉनिक का कार्य कर रहे हैं, आपको एक मजबूती का कार्य कर रहे हैं। तो उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो फ्यूचर के लिए भी और अच्छा और एक मजबूत स्वास्थ्य आप अपना बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य के मामला फरवरी में आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए आगे बात करेंगे लव लाइफ की। लव लाइफ का जो समय है उसी प्रकार जिस प्रकार से आपका चला आ रहा है उसी प्रकार से फरवरी का महीना भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर भी वो एक लंबा इंतज़ार और एक दूसरे का जो है कमिटमेंट का इंतज़ार आपको फरवरी के महीने में भी देखने को मिलेगा। हाँ, शुरुआत है इसको फरवरी के महीने में, हम आंग्ल भाषा के अनुसार कह सकते हैं कि लव का महीना होता है, एक प्यार का महीना होता है। तो इस चीज़ में आप उसको थोड़ा और प्रयास करके, थोड़ा नया सरप्राइज करके या नई नई चीज़ों को आजमा के जो है अपने प्यार को और मजबूत कर सकते हैं। और जो कमिटमेंट आपको जो है फरवरी महीने में ना सही आगे चलकर तो जरूर मिलेगा अगर आपने यहाँ पर प्रयास किया, बट फरवरी का महीना आपके लिए वही सामान्य रहेगा जो अभी तक चला आ रहा था। आगे बात करते हैं दाम्पत्य जीवन वालों के लिए। तो जो शादीशुदा जातक हैं उनमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपकी जो क्रोध की प्रवृत्ति है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध की प्रवृत्ति आपकी कभी कभी आपके जीवन साथी के जो हमारा आत्मविश्वास होता है, जो हमारा आत्मसम्मान होता है उसको ठेस पहुंचाता है। और जब उसको बार बार ठेस पहुंचाया जाए तो आपका रिश्ता जो है वो कमज़ोर होता है, वो मजबूत नहीं रहता है। तो अभी तो भले आप देखेंगे चलो चला आ रहे हैं, जैसे भी चल रहा हम इसको चला रहे हैं, बट ये चलाना नहीं है, इसको जीना है, फ्यूचर में इसको एंजॉय करना है। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी गुस्से की या अपना उग्र जो आपका स्वभाव है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और उस चीज़ को अगर आपने अपने जीवन से हटाया तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत अच्छा और एक सुखद में बना रहेगा। आगे बात करते हैं आपके करियर की। करियर में सबसे पहले बात करेंगे आपके बिजनेस के, आपके व्यवसाय की। तो व्यवसाय जो जातक कर रहे हैं उनके लिए समय तो काफ़ी अनुकूल है, बट अगर किसी पार्टनर को अपने व्यवसाय में जोड़ना चाह रहे हैं, किसी पार्टनर को अपने साथ मिलाना चाहते अपने बिजनेस में, तो मुझे लगता है ये समय अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा और स्टडी कीजिएगा, थोड़ा सा और समय अगर आप देते हैं तो आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे नॉर्मली जो आप व्यापार कर रहे हैं वो आपके लिए फरवरी के महीने में सामान्य उसी प्रकार लाभप्रद बना रहेगा जैसा चला आ रहा है, बट नई चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बात करते हैं जो नौकरी पेशा जातक है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए जो फरवरी का महीना है वो बहुत अच्छा है। अगर वो किसी चीज़ में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या नए साक्षात्कार की तरफ अगर आप उनका प्रयास है तो फरवरी के महीने में आप उस चीज़ को करें जिससे कि आपको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपके जो है चाहे आप अनएम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड के लिए भी अच्छा समय है। और जो कार्य क्षेत्र में जबे पड़े हुए हैं बट लाभ की अपेक्षा ढूंढ रहे थे, कोई लाभ मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, ग्रोथ मिल जाए, तो पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रोथ और प्रमोशन का योग जो है फरवरी के महीने में बन रहा है। अगर किसी कारणवश वो नहीं मिल पाते तो कहीं ना कहीं उसकी संबंधित गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, भाई आपको ये चीज़ हम जल्दी करने वाले हैं। तो आपके करियर वालों के लिए जो नौकरी पेशा जातक जो है उनके लिए भी फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा मैं देख रहा हूँ। आगे बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कि आपकी धन की स्थिति,
फरवरी के महीने में कैसे रहने वाली है और आपके जो फाइनेंस कंडीशन है वो कैसी रहेगी। तो फाइनेंस कंडीशन फरवरी के महीने में काफ़ी अच्छी मैं देख रहा हूँ, सुखद है, जिसको हम कह सकते हैं सैटिस्फेक्शन होता है, कि हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि हमारी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। लाभ के संकेत भी आपको दिखेंगे, नए लाभ के योग दिखेंगे जो आपकी धन वृद्धि भी करेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर आप कहीं खर्चा कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़रूर सोचना होगा, ध्यान देना होगा। अगर आप बिना सोचे समझे उसमें या किसी देखा देखी में आपने उस पर इन्वेस्ट किया, तो आपके लिए धन हानि का योग भी बन सकता है, तो वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाद बाकी धन की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी, मैं देख रहा हूँ। तो दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन पर बनाया गया है। हो सकता है कि आपकी कुंडलिका से ये राशिफल भिन्न हो, और इस भिन्नता को या इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप एस्ट्रोयोगी पर मुझसे परामर्श कर सकते हैं। मुझसे परामर्श करने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस पर कॉल करें और वहाँ पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एस्ट्रोयोगी।